सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। चित्रा टॉकीज की तरफ से आप सबको प्यारा सा प्रणाम। वेलकम टू अनदर रेसिपी व्लॉग ऑफ चित्रा टॉकीज। कैसे हैं आप सब? तो इस व्लॉग में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी। ये रेसिपी इसीलिए क्योंकि सावन का महीना चालू हो चुका है, फेस्टिवल सीजन आ चुका है और बाहर से तो हम कुछ ला नहीं सकते क्योंकि थोड़ा डर रहता है, कोरोना सीजन चल रहा है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि घर में कुछ अच्छा बनाए फेस्टिवल्स पर, कुछ अच्छा जो कि लोगों को पसंद आए, बच्चों को पसंद आए। और सेवइयों की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए सेवइयाँ। आप घर में बनी हुई सेवइयाँ भी ले सकते हैं, ये घर में बनी हुई है जो मेरी माँ ने बनाई है और यहाँ पे सप्लाई हो चुकी है। और इलायची पाउडर, एक स्पून इलायची पाउडर, एक कटोरी शक्कर, मीठा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए। एंड ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप उन्हें क्रश करके भी डाल सकते हैं या आप उन्हें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी क्रश कर लिए हैं, कुछ डायरेक्ट डाले हैं। तो आपके पास घर वाली सेवइयाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाहर जो मिलती है बैम्बिनो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोस्टेड बैम्बिनो है जो कि मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी, मैं घर वाली सेवइयाँ यूज़ करूँगी। ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं कि यही यूज़ हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये दूध, 1 लीटर दूध लिया है मैंने, कम गैस पे रख दिया। इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से गर्म होने दें, उसके बाद हम इसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ऑलराइट, हमारा दूध अच्छे से गर्म होने आ गया है, इसे अच्छे से उबाल लें एक बार। अब इसमें हम डालेंगे सेवइयाँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेवइयाँ डाल सकते हैं, आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी कोशिश करिए आपको अंदाज़ा हो। 1 लीटर दूध में ये हाफ़ प्लेट डालूंगी मैं, पूरी सेवइयाँ नहीं डालूंगी, ये हाफ़ प्लेट डालूंगी। तो आप भी अपने अंदाजे से सेवइयाँ डाल लीजिए। बस केसर है तो आप केसर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ऑप्शनल है। आपके पास केसर हो तो आप केसर भी ऐड कर सकते हैं। टेन टू फिफ्टीन मिनट्स हो चुके हैं और अब हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब हमें ऐड करनी है शक्कर, या यूं कह लीजिए चीनी, या यूं कह लीजिए शुगर। आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना मीठा आप पसंद करते हैं खाना। और इसे अच्छे से चला दीजिए। और भैया अब छोड़ दीजिए इस खीर को, अपने आप बनने दीजिए। 15 से 20 मिनट्स एटलीस्ट सेवइयाँ और अच्छी पक कर दूध में घुल जाएंगी, तब तक हमें मीडियम गैस पर इसे यूं ही रखना है। जब तक सेवइयाँ और दूध अपने आप में लिपट ना जाए या अच्छे से मिल ना जाए, जब तक हमें इस खीर को पकाना है। इलायची पाउडर और शक्कर हमें इसलिए अभी ऐड कर दिया क्योंकि ये भी अच्छे से दूध में मिल जाएंगे। और एट द एंड हमें ऐड करने होंगे ड्राई फ्रूट्स। तो 15-20 मिनट इसे अच्छे से बॉयल हो जाने दीजिए, फिर भैया हमारी खीर बन के हो जाएगी तैयार। ऑलराइट गाइज, हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। मुझे इस कंसिस्टेंसी के बारे में कहना है, अगर आपके घर में पतली खीर खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक रहने दीजिए, सेवइयाँ भी हो दूध भी हो। राव साहब थोड़ी गाढ़ी खीर खाना पसंद करते हैं, तो जिसके लिए बन रही है उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं इसे और 5 मिनट उबालूंगी, उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी और हमारी खीर बनकर हो जाएगी तैयार। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है ड्राई फ्रूट्स,
जैसे ही आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अब खीर गर्म होती है, ड्राई फ्रूट्स अपने आप ही इसमें पक जाएंगे। गाइज, आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये रेसिपी मैंने कल ट्राई की थी, क्योंकि कल तीज थी और आज अपलोड ब्लॉग अब हुआ है, क्योंकि एडिटिंग वगैरह बहुत कुछ रहता है, तो मैंने अभी अपलोड किया है जस्ट। और बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट्स ज़रूर करना। आपकी फैमिली मेम्बर्स को किसी को ये खीर पसंद हो या आपने कभी ट्राई की है डिफरेंट तरीके से, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। एंड प्लीज़ इग्नोर वॉइस, बाय गोलू बाबा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, गोलू बाबा बहुत सता रहे हैं, तो यूट्यूब व्लॉगर्स के लिए कल बहुत बड़ा दिन है, कल पूरा दिन शूट करना है। यूट्यूब ओरिजिनल पर एक फिल्म बनेगी, उस फिल्म में हमारी क्लिप भी ऐड हो सकती है, तो हमें कोई ऐसा मोमेंट, व्हाट वी लव, डेली रूटीन कुछ भी शेयर कर सकते हैं। लेजेंडरी प्रोड्यूसर्स इसको फिल्म करेंगे, तो किसी की भी क्लिप सेलेक्ट हो सकती है, तो इसलिए हम भी कल पूरा दिन शूट करके एज ए मेमोरी रख लेंगे। और वैसे भी कल स्पेशल ओकेशन है मेरे पास शूट करने के लिए, क्योंकि कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, 30s में एंट्री हो जाएगी मेरी। बूढ़े तो बूढ़े मान सकते हैं, अभी इसे कहाँ बूढ़े यार, 60 साल पे बूढ़े होते हैं, तो बस खुश देखते रहिए चित्रा टॉक के। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मस्त रहिए, आज़ाद रहिए, घर पर रहिए, ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकलिए, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, बस ये साल कट जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बीत